भारत 22435 प्लेटफॉर्म नंबर 1 6:30 बजे अराइवल टाइम दिखा दिया है। वंदे भारत में ऐसा माहौल है, कुछ ऐसा है वंदे भारत के अंदर से इंटीरियर डिजिटली कोच नंबर वगैरह आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे। बाकी सीट वगैरह कंफर्टेबल है, थोड़ी ठीक ठाक है। चाहते ही हमें एक कॉफ़ी सर्व किया गया है जो कि गर्म पानी के साथ हमें मिक्स करना है उसको। और ये है वंदे भारत का वॉशरूम, इसको फ्रेश करेंगे। वर्क ही नहीं कर रहा यार, अभी इसमें हाथ गर्म हवा फेंक रहा था हाथ सूखने के लिए, अब वर्क ही नहीं कर रहा। देखते क्या होता है। बाकी वॉशरूम क्लीन है, नीट है, मज़ा तो आ गया है। और स्मोकिंग का बोर्ड लगा हुआ है, स्मोकिंग यहाँ नहीं करनी है। हमारे लिए सर्व हुआ है डिनर, जिसमें दाल है, चावल है, पनीर की सब्ज़ी और आलू मटर की सब्ज़ी, रोटी और एक दही का पैकेट है। क्योंकि फूड अच्छा है, खाने में ठीक ठाक है, टेस्ट भी अच्छा है। और उसके बाद हमें दी गई एक वनीला आइसक्रीम क्रीम वेल की। अगर आप इसमें ट्रैवल कर रहे हैं तो कम दूरी के लिए ठीक ठाक है, अगर लॉन्ग रूट के लिए करना है तो खास। वैसे भी ये शॉर्ट रूट के लिए बनी हुई है, लॉन्ग रूट के लिए ज़्यादा टाइम बनी है, इसके बैटर में आ रही है अपने वंदे भारत, कुछ खास है और बढ़िया भी है। मैं अपनी जर्नी वंदे भारत में हो चुकी है, क्योंकि कानपुर से नई दिल्ली की थी, और इसका एक्सपीरियंस कुछ खास मज़ा रहा नहीं कि ऐसी फैसिलिटी आपको शताब्दी एक्सप्रेस जगह चेयर कार की फैसिलिटी सब मिल जाती है, तो कुछ खास रहा है। इससे बढ़िया अगर आप शताब्दी या फिर करेंगे तो भी ट्रैवल करेंगे तो उसमें टाइम भी पहुँचेंगे। बस ये ट्रेन इसलिए ज़्यादा खास चल रही है क्योंकि इस ट्रेन को पैरिटी दी जाती है, इसलिए कुछ चर्चे में ज़्यादा था। उसके बाद जब इसकी पॉपुलरिटी कम हो जाएगी तो फिर आप ये देखिएगा इससे बढ़िया सर्विस आपको शताब्दी एक्सप्रेस या गतिमान हो गई, इन सभी ट्रेनों की बढ़िया सर्विस लगेगी। बाकी हमारा एक्सपीरियंस तो अभी ठीक ठाक रहा, आगे जर्नी अगर करेंगे तो देखेंगे बताएंगे। बाकी टाइम लिए हम लोग पूछ रहे हैं, 11 बजे का टाइम था, 11 बजे टाइम लिए हम आ चुके हैं। तो ये बना हुआ है सबवे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जाने का रास्ता, जो कि रात के टाइम लाइटिंग की वजह से बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बढ़िया दिखता है लगने में। स्टेशन पर आप इस सबवे के माध्यम से जा सकते हैं।